हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ जोन। आज मैं जा रहा हूँ देवरियाताल। तो देवरियाताल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आगे तुंगनाथ चंद्रशिला, इस साइड तुंगनाथ चंद्रशिला वहाँ बर्फ़बारी हो रही, तो देवरियाताल भी काफ़ी हाइट पे है, तो देवरियाताल भी बर्फ़बारी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट बार तो एक पहले गिर चुकी है पहली वाली बर्फ, लेकिन जो ये दूसरी वाली बर्फ़ गिरेगी ये बहुत अच्छे से गिरेगी, ऐसा कुछ उम्मीद और मौसम देख के लग रहा है। तो चलते हैं देवरिया, और एक बंदे को पिक करना है मुझे, कुलदीप जी को, तो उनको पिक करने के लिए निकलते हैं। बताते हैं आपको कैसा रहता है वहाँ का हमारा प्रोग्राम, और नाइट को हम क्या करते हैं क्या नहीं, सारा कुछ। और एक चीज़ हो रहा है, हम दूसरे रास्ते से होके जा रहे हैं। आई थिंक ये रास्ता हमारा पुराना रास्ता है, जो पुराना भी और एक तरह से शॉर्टकट बोल सकते हैं देवरियाताल का, तो इस रास्ते का यूज करेंगे। और अभी बारिश लग रही है, वैसे मौसम भी बहुत सही है, सुंदर। और हमारे क्रेडी जी कहाँ होंगे, जरा उनसे भी मिलना है, फोन कर रहे हैं हमें। हाँ, ऐसी हरियाली। प्लस मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, ऊपर देवताल चलने के लिए तैयार हैं। पहुँचते दिखा रहे हैं आपको देवताल। और लेट्स स्टार्ट, हमारा हो चुका है देवताल का। शाम के लिए मेरा हमारा बेहद करीब, पता नहीं कितने साल से हमारे पास है, तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है। बारिश लग रही है अभी, नीचे से हमारे सर हमारे साथ साथ। हाँ, बारिश का भी कुछ अलग ही मजे हैं। आगे सामने देखो, बहुत काफी तेज बारिश लग रही। ये देखो काफी तेज बारिश। ये लीजिए स्पीकर। ये सारा मोमेंट कैप्चर करने में मज़ा भी आता है, अपना अलग से ही स्वैग लेके चलते जाओ। और अपना ही अपनी एक कैंप साइड है जहाँ हम जाएंगे आज, और कल स्नोफॉल होगी, तो स्नोफॉल में तो मज़ेदार। कल का दिखाएंगे कल तक क्या होता है, शुरुआत तो कर चुके हैं। जाने में तो हमें जा सकता एक पौना घंटा लगेगा, या एक घंटा इतना लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे। ये ऐसा कुछ नजारा है, और आगे स्नोफॉल हो रही है बढ़िया से, और अपना कुछ ऐसा है नज़ारा। रास्ते में चलते रहे, और नाइट के लिए हम जाएंगे देवताल। आज वैसे भी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। वाह, ये देखो पीछे स्नोफॉल। वाह वाह, इस सामने देखो पेड़ों के पीछे। अभी अभी स्नोफॉल गिरी है, और इसके बाद अब गिरने के बाद, अभी तो हमने काफ़ी ऊपर जाना है, जब अच्छी खासी गिर जाएगी तो जम जाएगी ये स्नो, वाइट एक लेयर
वाइट एक लेयर जैसे बन जाएगी, जैसे लेयर होता है ना ऐसा कुछ बन जाएगा वाइट लेयर। तो कल दिखा दूंगा मैं आपको या रात को दिखा दूंगा आज। लुक सामने देखो क्या बर्फबारी हो रही, और हम लोग ऊपर चलते हैं। काफी तेज स्नोफॉल हो रही है, आपको दिखा देंगे स्नोफॉल के बाद। और ऊपर देवताल जाते ही दिखाते हैं देवताल में जब कैसे स्नोफॉल, अभी तो काफी है और वैसे भी छाता नहीं है आगे वाले के पास है, पर छोटा ही छाता है। स्नोफॉल ही स्नोफॉल, वाओ। हाय, ये अभी अभी ही गिरी है ये वाली जो बर्फ है, और हम लोग तो आपको दिखेंगे। हाय सामने, आप आज अभी भी बर्फ पूरी गिरी, बर्फ भी गिरी है अभी भी, सुबह को और अच्छे से नज़र आ रहा है। अभी तो ऊपर देखो हल्की हल्की बर्फ ने बर्फ भी इसमें पेड़ों में हल्की हल्की बर्फ आने बैठ गई, ये देखिए। यहाँ से हमारा जो कैंप साइट है वो 150 मीटर है, 150 मीटर ओनली। और हम तो यहाँ चलते हैं, उसके बाद शाम को हो सकता है हम देवताल जाएंगे, तो देवताल के बारे में दिखाएंगे ये तो। हाय टीम, सुबह सुबह का टाइम है, हम निकलते हैं इस समय देवरिया ताल। तो आज वैसे भी बर्फ गिरी है सुबह को, काफी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। वैसे कुछ दिखेगा नहीं, सब जगह क्लाउड क्लाउड है, ऐसा कुछ बर्फ दुनिया में। हाय दुनिया, बर्फ का तो अलग ही मौसम है, ऊपर से वैसे साफ भी हो रहा है और बर्फबारी तो अच्छी खासी हो रही है, बहुत अच्छी खासी। चल के दिखाते हैं आपको देवताल में कैसा है, कितनी बर्फ है और क्या दिख रहा है वहां से व्यू। कुछ तो दिखेगा नहीं मुझे, नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा। हाँ ये रहा आपका देवताल जाने के लिए रास्ता, निकलते हैं देवताल। और बर्फबारी हल्का हल्का से ये वाला माउंटेन दिख रहा है, हल्का हल्का से मंदानी के आगे का है वो, मंदानी ट्विन टावर के आगे का है। और यहाँ का ये रहा व्यू, हाँ वाह, देवताल का व्यू भी अलग है कुछ अपना ये सो। और अभी इतनी बर्फ नहीं गिरी जितनी बर्फ हमें चाहिए थी, और एक गलती कर दी मैंने, सन ग्लासेस नहीं लाए मैं यहाँ, बस धूप की जगह नहीं जाऊँगा जहाँ पे धूप है, और तो ठीक है। और कुछ ट्रैकर भी आए हैं सुबह सुबह को यहाँ, ये रहा आपका देवरियाताल। बहुत हल्की सी बर्फ गिरी हुई है, बहुत ज्यादा हल्की सी। ओके इसके बाद मैं आपको जब अच्छी खासी बर्फ गिरेगी तो मैं एक बार यहाँ आके दिखाऊंगा कि कितनी बर्फ है यहाँ, क्योंकि अभी तो ये मान के चलो आप सिर्फ गिरी है 5-6 सेंटीमीटर, अभी ज्यादा नहीं गिरी है, क्योंकि इसके हिसाब से देखो तो इतना ही गिरा है अभी बर्फ। बर्फ जब अच्छी खासी 1-2 फुट गिर जाएगी तब आएगा यहाँ का कुछ अलग ही मजा, सीनरी।
बस इतनी बर्फ गिरी है अभी इतनी, ये वाली बर्फ जो ये सामने पे ना, बस इतनी ही गिरी है अभी।